बाहर में वेटिंग में बैठ रहा था तो एक आदमी इधर ऊपर से आया दाव पकड़ के। इधर वहाँ में एक रूम है ये का 16 नंबर से उस साइड में और एक रूम है, वहाँ का आदमी को इधर खाद दिया। जैसे बच्चा यहाँ में तोरा है, यहाँ में दागी है ना, ये नीचे से पूरा कट कट के आया है। हम लकी से बच्चा है, दो का डेथ हो चुका है और 3 सीरियस इंजरी है, वो जिसको रिफर करके ट्रिम्स ले गया है। नमस्कार सभी को, मैं तेजी शक्ति एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सेपा में है इस वक्त, लेकिन अभी यहाँ से मैं एक आप सभी को एक ऐसे दुर्घटना एक ऐसे खराब एक न्यूज़ दे रहा हूँ। दोस्तों ये अभी सेपा में पूरा सेपा टाउन में यहाँ पैनिक होके रखा हुआ है, क्योंकि सेपा यहाँ पे आज एक दुर्घटना हुआ है। इस हॉस्पिटल सेपा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आज यहाँ पे एक दुर्घटना हुआ है, जहाँ पे हमारा 2 लोग जो है डेथ हो गया। और इस केस के विषय में आप सभी को मैं बता दूँ, आज यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट थे, जो पेशेंट है, उन सभी को भी ये आज जो दाव होता है उससे यहाँ पे एक व्यक्ति आके उनको दमादम मतलब मन मर्जी काटा गया, ना जान ना पहचान। तो इस दुर्घटना में बहुत सारा ग्रीवियस इंजरी भी हुआ हमें देखने को मिला, और बहुत सारे लोग जो है इसमें ग्रीवियस इंजरी के साथ और इंजरी और दो, जैसे कि आप सभी को बताया, 2 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। दोस्तों मैं बता दूँ, इस हादसा को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो यहाँ का ओसी सेपा मेनली गई सर जो है वो आके कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इस हादसा में उनको भी ग्रीवियस इंजरी का सामना करना पड़ा। उनको अभी अभी यहाँ से सेपा से ईटानगर हॉस्पिटल के लिए लेके गया है पुलिस गाड़ी पे और एम्बुलेंस पे। तो दोस्तों मैं सलूट करता हूँ मेनली गई सर का, जो वो तुरंत हादसे में आके जो है अपना जो BBIP यहाँ पे विजिट प्रोग्राम था यहाँ पे, तो उस पर बैठते हुए अपने बिजी वो को शेड्यूल को निकलते हुए भी इस हादसा में वो तुरंत आके और भी दुर्घटना होने से वो कुछ लोगों को बचा पाया और हादसा को और आगे जाने नहीं दिया। लेकिन हमारा साथ इस वक्त SP भी यहाँ सिकोम सर भी यहाँ मौजूद है, सेपा SP इस कमिंग का SP, तो उनसे भी हम इस विषय में जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली नंबर्स कितना इंजरी हुआ, कितना ग्रीवियस इंजरी हुआ। तो और भी हो सकता है यहाँ पे और भी जाने जा सकता है शायद, अभी तक जैसे कि हमने सुना 2 गए हैं, 2 की जान गई है। तो और हम डिटेल में हम SP साहब से हम बातें करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा इस रिपोर्ट पे आप सब बने रहेगा। अभी जो हादसा हुआ है उसमें आप भी शायद मौजूद थे और आप भी शायद एक विक्टिम रहा, एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसा करके ये शुरुआत जो घटना? एक्चुअली हम लोग जो ये डॉक्टर को वेटिंग में बैठ रहा था, तो बाहर में वेटिंग में बैठ रहा था तो एक आदमी इधर ऊपर से आया दाव पकड़ के। इधर वहाँ में एक रूम है ये का 16 नंबर से उस साइड में और एक रूम है, वहाँ का आदमी को इधर खाद दिया। काटने के बाद हम भी वो सहस नहीं है, इधर दौड़ा है, दौड़ने के बाद में ये एक और एक रूम था उसमें हम घुसने के लिए, और भी इधर अपना सेल्फ डिफेंस के लिए बंद कर दिया। बंद होने के बाद नेक्स्ट में हम 16 नंबर में हम घुसाए, घुसते समय यहाँ में मेरा चूल को पूरा काट के नीचे गिरा दिया। हाँ, चूल को काट के नीचे गिरा दिया। उसके बाद में चूल का वजह से बच्चा यहाँ में तोरा है, यहाँ में दागी है ना, चूल को काट के मतलब चूल का वजह से हम बच्चा है, नहीं तो हम भी आज खत्म होना था। ऐसे करके हमको नर्स भी हुए एन वक्त पे दरवाज़ा खोल के हम जो बच्चा है। कितना आदमी को पता है? मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा, आधा लोग को तो पूरा इंजोर हो गया, वो लोग पूरा ले जा रहे हैं वहाँ में एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। पूरा ये नीचे से पूरा कट कट के आया है, हम लकी से बच्चा है। आप जो एक्यूज है जो आपको ये कहता है
क्या उनको आप जानता था पहले कभी? नहीं सर, कभी नहीं देखा सर। हम लोग जस्ट डॉक्टर को ही वेटिंग कर रहा था, वो अचानक में ऐसे आके ऐसे पूरा सबको हमला कर रहा है, ऐसे किया है सर। कुछ भी नहीं जानते हम लोग प्रोग्राम में था वहाँ पे, कि यहाँ पे कोई मेंटली इल आदमी, पागल वाला आदमी, यहाँ पे कोई पेशेंट को दाव से कात रहा है बोलते। अकॉर्डिंगली मेरा ड्यूटी ऑफिसर्स गया, जाने के बाद मेरा इंस्पेक्टर गई ओसी साहब, वो हमारे पास ग्राउंड में था, तो उसके बाद वो भी गया। जाने के बाद में देखा तो वो यहाँ पे 3-4 आदमी को काट चुका था। काटने के बाद वो उसको रोकने के लिए गया उसको, तो जिसकी वजह से वो काटने के लिए तो उसने अपना सेल्फ डिफेंस के लिए फायर भी किया, लेकिन फायर लगा नहीं, उसके फेर में मारा तो नहीं लगा, जिसकी वजह से क्या किया वो सामने आके अपने मेरा उसी भी इंजर्ड है, ग्रीवियस इंजरी हुआ है उसको, उसको अभी ले गया है ईटानगर के लिए ले गया। तो अभी टोटल मिला के हमें जो कवर हमें जो मिला है, टोटल 9 पेशेंट हैं जिसको इंजरी हुआ है, जिसमें से 5 सीरियस इंजरी है, 3 मतलब बहुत सीरियस नहीं है, जिसमें ये 5 सीरियस जो है उसमें से एक बच्ची है, छोटा सा बच्ची है, कुछ 3-4 साल का बच्ची होगा। उसके बाद एक औरत है, अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सका है, वो अभी कर लेंगे हम, 2 का डेथ हो चुका है और 3 सीरियस इंजरी है, वो जिसको रिफ़र करके ट्रिम्स ले गया अभी, इतना मैं बोल चुका। और वो बंदा जो है उसको हम लोग अभी डिटेन करके रखा है, वो बंदा को भी इंजरी हुआ है, हम लोग जब लगते समय उसको हम पकड़ के रखा, वो हमारे कस्टडी में है, मैं बोलना चाहूँगा। सर जो मरा है वो उसका ही वाइफ और वो है? हाँ, वही ऐसे अभी सुनने में आ रहा है, मैं उसको एक कन्फर्म करता हूँ, क्योंकि अभी तक क्लियरिटी नहीं है मुझे। अभी डॉक्टर ग्यादी साहब ने ही बताया कि सुबह कोई पेशेंट आया है जिसका हस्बैंड ने उसको पिटा है, लेकिन सी इज नॉट रेडी टू फाइनल एफआईआर, ऐसा कुछ एक प्रिस्क्रिप्शन देखा है उसका भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली वो बच्चे और माँ जो ये जो मारने वाला का वाइफ है ना, नहीं वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंसिडेंट हुआ ना, तो इसीलिए बात में। सर जैसे कि बहुत सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि सब पैनिक हो रहे हैं। नहीं अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो एक्यूज हमारे कस्टडी में है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेन चीज़ है कि हमें जो इंजूर हुआ है उसको हम कैसे सेव करना है, दैट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आवर। सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत लोग इंजूर है, मेजर इंजूर भी है और मारे भी गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कमिंग डेज में इसको लेकर लॉ इन्फोर्समेंट में केस ज़्यादा हो सकते हैं, इन लोकल वे में उनके जो परिवार की तरफ से भी आ सकता है, तो आप लोग उसको कैसे करते हैं? कानून है इंडिया का, हमारा जो कानून जो इतना स्ट्रॉन्ग कानून है कि ये बंदा जो किया है इसको हम मैक्सिमम पनिशमेंट, जो जितना बड़ा से बड़ा पनिशमेंट होता है वो हम करेंगे, वो इमीडिएटली करेंगे हम इसको। अभी हमारे कस्टडी में है, उसका भी सुनने में आया कि उसको भी बहुत बड़ा चोट लगा है, सुनने में आया है, तो हम अभी देख लेंगे उसको, जो भी हमारे तरफ से होता है हम करेंगे उसको। सर कहीं कहीं एक अस्पतालों में हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी रहते हैं, लेकिन आज आपका यहाँ पे था कि नहीं? सिक्योरिटी नॉर्मली ये हॉस्पिटल जो है हमारा, जो पुलिस स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली बहुत नियर है, 300-400 मीटर का ही डिस्टेंस में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो नॉर्मली क्या है, हम लोग एवरी डे का पेट्रोलिंग होता है, एवरी डे दिन को पेट्रोलिंग होता है, इवनिंग पेट्रोलिंग होता है, वो पेट्रोलिंग का अपडेट हम लोग फोटो हमेशा हमको मिलता है सर, तो नॉर्मली पेट्रोलिंग में होता है। लेकिन अभी इस इंसिडेंट के समय में आई थिंक पुलिस वाला नहीं था, मैं भी सुन रहा था कि कोई एक्यूज को लेके आएगा बोल के था, लेकिन ये इंसिडेंट नहीं था, क्योंकि हम लोग पूरा वीवीआईपी ड्यूटी में सुबह से बिजी था, तो एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसे कुछ होगा। तो मे भी, लेकिन इसमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कोई है क्या, एंगेज होना चाहिए डीएमओ के अंदर में, वो है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम लोग इसमें पहले करते थे, अभी कुछ समय से हम लोग डिप्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जितना भी पेट्रोलिंग है हम लोग यहाँ में मैन पावर कम के वजह से क्या है कि पेट्रोलिंग दिन में हम लोग 4-5 बार हॉस्पिटल को राउंड अप करते हैं, पेट्रोलिंग नाइट में दिन में करते हैं इसमें। थैंक यू।